यहाँ पे मैंने फनी सी चैनल को ओपन कर लिया है इस चैनल के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो है और इस चैनल का जो सब्सक्राइबर है वो लगभग आठ लाख लग होने वाला है तो ये चैनल क्रिएट कब हुआ था मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे आप देख सकते हो ये चैनल जुलाई ट्वेंटी नाइन में क्रिएट हुआ था मतलब दो तीन दिन के अंदर इस चैनल के ऊपर लगभग आठ लाख लग सब्सक्राइबर हो गया है तो दोस्तों इस बंदे ने क्या ट्रिक का यूज किया कि इसके चैनल के ऊपर आठ लाख सब्सक्राइबर सिर्फ तीन दिन में हो गया है वीडियो था, था उसको डाउनलोड कर कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हारी माँ मर जाएगी वीडियो को लाइक और चैनल को नहीं किया दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो जरूर गुस्सा आया होगा मुझे भी बहुत गुस्सा आया था जो पे देखता है उसमें से मैक्सिमम छोटा बच्चा होता है आठ साल का दस साल का बारह साल का या फिर पंद्रह साल का और उन बच्चों को दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं है जब वो वीडियो को ऊपर देखता है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपका माँ मर जाएगी तो वो सब इमोशनल होकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब नहीं करके चला जाता है तो वो बाद में आके फिर सब्सक्राइब कर लेता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरी माँ मर जाएगी तो क्या होगा मतलब ये बंदा बच्चों के माइंड के साथ खेलता है एक तरह का ये माइंड गेम ही हुआ जो कि बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके से अगर आप अपने YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ा बढ़ा भी लो भी लोगे लोगे व्यूज तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है तो ये बंदा एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करता था और वॉइस ओवर करता था कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपकी माँ मर जाएगी तो जब बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया और इस चैनल के ऊपर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो वो बंदे ने सारे वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया है और अभी उसके चैनल के ऊपर जो वीडियो है मैं आपको उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ गाइस बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल से रिलेटेड मेरे वीडियो से रिलेटेड का मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ये वो ऐसा करो वैसा करो गाइस मैं कोई किसी जानवर को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ मैं एक इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो वैसे ऐसे ही डाला था और मेरा ऑटोमेटिक वीडियो वायरल हो गया मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा वीडियो कैसे वायरल हुआ वायरल हुआ वा, क्या हुआ मुझे खुद को नहीं मालूम गाइस लिटरली गाइस आप सब देख रहे हो तो ऐसे किसी को ना जज नहीं कर सकते हम कि सामने वाला कैसा है गाइस आई स्वेयर मैं ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म से उठाया था और यहाँ पे ला मैं अपलोड कर दिया बट मुझे पता नहीं था लिटरली आप लोग जो इतना मेरे खिलाफ़ इतना हेट स्पीच दे रहे हैं लिटरली मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो, होगा मेरे वीडियो के साथ भाई लोग प्लीज़ मेरे लिए कोई हेट मत फैलाओ मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करो मैं आपको सपोर्ट करूँगा जैसे मैं इतना फटाफट आगे ग्रो किया मैं आपको ग्रो करूँगा आई प्रोमिस यू ब्रदर आई प्रोमिस यू प्लीज़ मेरे खिलाफ इतना हेट मत फैलाओ गाइस आपकी माँ मेरी माँ प्लीज़ मुझसे जो भी गलती हुआ मुझे माफ़ कर देना आई एम सो सो सॉरी प्लीज़ भाई लोग आप लोग बहुत गुस्सा हो इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाया फेस रिवील नहीं किया प्लीज़ आई एम सो सो सॉरी प्लीज़ ये छोटा सा क्लिप माँ के लिए प्लीज़ आप लोग पूरा सुनना उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम। मैं तो तेरे सपन। इस बंदे का कहना है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को उठाया था चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है फेसबुक हो सकता है और यूट्यूब पे उस वीडियो को अपलोड कर दिया और उसको पता नहीं था कि वो वीडियो वायरल चला जाएगा लेकिन इस बंदे से जो भी गलती हुआ है वो बहुत बड़ा गलती हुआ है आप ऐसा गलती मत करो और ऐसे आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश मत करना दोस्तों एक गलत तरीका है बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं इस चैनल पे यूट्यूब पे ग्रो करने का टिप्स शेयर करता हूँ